हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो आ चुके हम लोग बहुत सारी डिमांड के बाद फिर से एक गेम प्ले लेके। लेकिन गाइस, अगर आपको मेरी स्टंबल गाइस की वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो यार, वरना वीडियोस मिस हो जाएगी। चलो गेम प्ले स्टार्ट करते हैं अब। और ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे 190 प्लस की पिंग क्यों चल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और गेम बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब सही तो नहीं चल रहा, डीले काफी आ रहा है। जैसे मैं जंप दबा रहा हूँ ना, तो फिर एक सेकंड या आधे सेकंड बाद हो रहा है। एक सेकंड तो थोड़ा ज्यादा हो गया, हाफ सेकंड ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ग्लिच है ये, कौन सा ग्लिच है ये? मतलब 190 प्लस की पिंग कॉन्स्टेंट है और बंदा मतलब सीधा ही चल रहा है। इतने में तो यार बंदा मतलब इधर उधर हो जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही सही चल रहा है। तो अगर आपके साथ भी आज यही हो रहा है गाइस, तो कमेंट में जरूर बताना मुझे। और नहीं हो रहा है तो फिर ये तो यार चैलेंज हो गया पूरे मैच के लिए। अपना 190 प्लस पिंग पे आज अपन खेल के दिखाएंगे। तो दूसरे राउंड में आ गए हम लोग यार पिंग की बात करते करते। चलो अब कैनन क्लाइंब में जल्दी से जाते हैं। और यार बहुत ज्यादा इफेक्ट तो हो रहा है यार, क्योंकि ये क्या हो रहा है पता है, थोड़ा सा मतलब डीले हो रहा है। तो मैं जब दबा रहा हूँ तब दब नहीं रहा है, तो बहुत दिक्कतें आने वाली है। और शायद सबको ही आ रही होगी, पता नहीं किसको आ रही किसको नहीं आ रही। और एक नूबड़ भी दिख चुका है मुझे साथ साथ में, तो इस भाई से थोड़ा दूर रहेंगे, ड्रैगन से। और यहाँ पे देखा गाइस, मैंने जंप दबाया था लेकिन दबा नहीं, क्यों? क्योंकि डिले आ रहा है। अब यहाँ पे लेट हो चुके हम लोग, बाहर भी हो सकते हैं। ये बॉल भी करेक्ट मेरी तरफ ही आई और शायद से मैं हो जाऊँ, देखूँ आगे कितने लोग हैं, वैसे हो तो जाऊँगा यार। और ये क्या हो रहा है यार, ये पकड़ क्यों रहा है भाई? अच्छा हुआ मैं अंदर आ गया, इसने पकड़ के बाहर करवा ही दिया था, नहीं तो। और अभी भी 190 प्लस की पिंग है और मुझे बीच में खड़ा कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा साइड चुनूँ, मैंने लेफ्ट साइड चुना तो है, लेकिन जो ड्रैगन है बहुत आगे निकल चुका है। और ये नुबड़पंथी पर क्यों आ गया, इसको क्या हो गया अचानक से? और मैंने भी गलती कर दी, मैं टकरा गया गलती से। और ये क्या कर रहा है भाई, क्या हो रहा है? इनकी लड़ाई चल रही है या फिर ये मेरे पे अटैक कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब गाइस असली चुनौती अब है, क्योंकि अपन को आज डीले में ही टिप्स एंड ट्रिक्स करके दिखानी है गाइस। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे यार बहुत ही डिफिकल्ट हुआ मेरे साथ, आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब मैं बीच में से चले जाता हूँ, पता चला डीले ज़्यादा हो गया और मैं नीचे गिर गया। चलो यार गाइस जीत चुके अपन डीले के साथ, 190 प्लस पिंग के साथ अपन जीत चुके। तो लाइक कर दो यार वीडियो को इसी बात पे यार। चलो दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं और देखते क्या पिंग यही आता है कि सही होता है। और पिंग में कोई सुधार नहीं गाइस, अभी तक 190 प्लस ही चल रहा है। तो आज पूरी वीडियो ऐसे निकालनी पड़ेगी अपन को। अब यार थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, यहाँ पे भीड़ बहुत मच रही है यार। चलो यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे डाइव से सीधा हुआ ही नहीं बंदा और नीचे गिर गए अपन। अब जल्दी जाना पड़ेगा, देखो वहाँ रास्ता बन चुका है पूरा, और लेट कर नहीं सकते भाई हम। जल्दी चलो, जल्दी चलो, कोई लात नहीं मारेगा यार, सब लात वात अपने पास रखो यार, पकड़ो भी मत और मुझे अंदर जाने दो। चलो आ गया मैं अंदर। और अब चलते हैं गाइस, पिवट पुश में आ चुके हम लोग। और यहाँ पे तो आपको मालूम ही है लातें पड़ने वाली हैं, अभी देखते हैं कितने लोग निकालते हैं अपनी लात। और इसमें यार मैंने एक चीज़ देखी है, जो नूबड़ रहते हैं ना वो थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि पीछे से इमोट इजीली पड़ जाता है, तो वो लोग है ना पीछे पीछे घूमते हैं। ये मैंने ना बहुत ही नोटिस करने के बाद ये देखा है, तो मैं तो पीछे नहीं घूमूंगा, मुझे किसको लात मारनी है, मैं तो अपना आगे चलते जाऊँगा। और इधर मैं एक बार रुक जाता हूँ ना, फिर मुझे यहाँ भी रुकना पड़ता है, फिर यहाँ भी रुकना पड़ता है। इसलिए यार ट्राई करा करो कि पहली बार में निकल जाओ, लेकिन नूबड़ आपको जाने देंगे नहीं ना, जाओगे कैसे? और इधर यहाँ पे टाइमिंग भी खराब हो गई है, अब देखते क्या होता है। लेकिन यार यहाँ पे मेरी जंप लगी नहीं, तो उसके कारण मैं अंदर आ गया जल्दी। और स्पेस रेस में देखते हैं जीत पाते हैं कि नहीं अपन 190 प्लस पिंग के साथ। और यहाँ पे बहुत ही दूर का हिट पड़ा है, लेकिन मैं आ गया हूँ आगे। लेकिन जो ब्लैक बिल्ला है ये बहुत आगे निकल चुका है, तो मुझे इसके साथ में जाना पड़ेगा। अब मुझे ना कन्फर्म नहीं है नूबड़ है कि नहीं है, तो यहाँ से मैं निकल चुका हूँ आगे। इसके उसने गलती कर दी, वो नीचे गिर गया, मैं आगे निकल गया। अब बस मुझे गलती नहीं करनी है, डीले के साथ थोड़ा अपन को एडजस्ट करके जीतना है। मेरे पीछे एक बंदा तो होगा वैसे टोपी वाला, और ये जस्ट पीछे है मेरी स्किन वाला ये, तो यहाँ पे मुझे कोई गलती नहीं करनी गाइस। यहाँ पे यहाँ जाते हैं, चलो वो तो नीचे गिर गया और मैं जस्ट बचा हूँ, बहुत ही क्लोज। अब मैं सोच रहा हूँ किस साइड जाऊँ, मुझे लग रहा है राइट साइड पर आएगा वो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बीच में से जाऊँ, क्योंकि बीच में से हम राइट में जा सकते हैं, तो देखते हैं कहाँ आता है। और राइट साइड पे ही आया यार, मेरा इंट्यूशन सही निकला है, बस कोई कूदे नहीं। चलो टोपी वाला तो मेरे पीछे पीछे ही आ गया, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको राइट में जाना था। और अपन जीत चुके हैं दूसरा राउंड। अच्छा टोपी वाला नहीं है, कोई और है ये।
चलो तीसरा मैच गाइज आज का देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कैनन क्लाइम यार इतनी भीड़ है, देखो मुझे जाने ही नहीं देते। और ये रॉड ने बचा लिया, पहली बार इस रॉड ने बचा लिया। पीछे बंदा आया, मुझे लगा लात मारने के लिए आया हुआ, लेकिन हाय बोलने आया था तो इसलिए अपन ने भी हाय बोल दिया। आगे अब देखते हैं कौन हाय की जगह लात घुसे चलाता है। और दोनों में पड़ी, देखा बॉल में भी पड़ी और हैमर भी पड़ी, फिर बॉल में पड़ी। मतलब आज ऑब्स्टिकल मेरा साथ दे रहे हैं, मतलब सीधा आगे फेंक रहे हैं, पीछे नहीं फेंक रहे हैं। तो अभी अपन सेफ हैं, लेकिन कितनी देर तक ये किसी को नहीं मालूम। अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और यहाँ पर कोई मत मारना यार, मुझे जल्दी से निकल जाता हूँ मैं, जल्दी आ गया मैं अंदर। और ये रॉकेट रंबल यार स्टंबल गाइस वालों से बात हुई थी ना अपनी कि ये कम होगा, ये और ज़्यादा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा यार। और मेरे टीम वाले मुझे समझ नहीं आता मुझे क्यों मारते यार, ये तो आज तक समझ नहीं आया मुझे। जैसे ये देखो, ये तो नहीं मारेंगे लेकिन बाकी लोग हैं ना, वो लोग पेलते ही जाते हैं यार, मतलब क्या हो जाता है समझ नहीं आता। तो अभी यार इनसे पॉइंट छीनना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी हम छीन के रहेंगे गाइस, हमें जीतना है। यहाँ पे एक और बंदा है फ्लैग वाला, इसको हटाओ यहाँ से, उसको मारो उसको। और गलती से मेरे टीममेट पड़ गया और ये लोग उठने ही नहीं दे रहे। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जब भी कोई मुझे लगता है ना कि रॉकेट छोड़ने वाला है तो मैं ट्रैम्पोलिन पे चल जाता हूँ, क्योंकि ट्रैम्पोलिन पे तो रॉकेट आएगा नहीं। और ये देखा ये किसने मारा, ये मेरे टीममेट ने मारा और किसी ने नहीं मारा। और हाँ गाइस एक और बात, अगर आप नूबर हो और आपको वीडियो में आना है तो नूबरपंथी छोड़ दो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि यार नूबर लोग क्या करते हैं, वीडियो में आने के लिए ना नूबरपंथी करते हैं, मतलब जानबूझ के यार रिमोट करेंगे, पंच करेंगे, हक करेंगे, तो वो क्लिप मैं काट देता हूँ। इसलिए अगर आप वो कर रहे हो ना तो आपकी क्लिप कभी नहीं आएगी, इसलिए वो छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि आप गेम में हो और आप वीडियो में भी आ जाओ तो वो मत करो। और सामने वाली टीम ने ना लीड ले लिए, क्यों ले लिए, क्योंकि अभी आपको मालूम चलेगा मेरे को पीछे से इतनी धुलाई हो रही ना, ये देखो जहाँ मैं खड़े हो रहा हूँ मेरे टीम वाले यार छोड़ ही नहीं रहे, मैं करूँ क्या बताओ। ये देखो स्पॉन हुआ हूँ भाई, अभी स्पॉन ही हुआ हूँ, लेकिन चालू हो चुका है रॉकेट। ये देखो हम हारेंगे गाइस, मतलब मुझे तो लग रहा है हम हारने वाले हैं। 6-5 है, चलो 7-5 हो गया, लेकिन मैं हारने वाला हूँ मुझे लग रहा है। नहीं यार क्वालिफाई कर गए। चलो गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया तब भी हम जीत चुके हैं, क्योंकि कोई करने देगा तो करेंगे ना। और लावा रश से मुलाकात हो ही गई है, तो चलो यार जल्दी आगे चलते हैं। और पीछे यार स्पॉन मिला था मुझे, बहुत ही घटिया स्पॉन, लेकिन तब भी देख पाते जीतते हैं कि नहीं। एक बंदा तो इतनी खतरनाक ट्रिक करते हुए जा रहा है यार आगे, बिल्कुल इसका पीछा मुझे करना पड़ेगा, जल्दी से देखते क्या होता है। और यहाँ पे यार ये गलत हो गया मेरे साथ, मेरा ना बटन नहीं दबा और मैं नीचे गिर गया, वही पिंक के कारण गाइस, मैं क्या करूं। अब ये बहुत आगे जा चुका है लेकिन मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। और ये फिर से बटन नहीं दबा यार, क्या हो रहा है यार। देखो मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, डीले बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हो रहा है, तो उसके कारण यार बहुत गलती हो रही है। अभी आगे चल के देखते हैं, लेकिन चलो यहाँ तक तो आया मैं, अब बस आगे पहुँच जाऊँ। यहाँ पे आ गया यार, और हड्डी मेरा वेट कर रहा था, लेकिन किस्मत, यहाँ पे पिंक तो चल ही नहीं रही है और किस्मत और ऊपर से भारी है गाइस, मैं करूँ क्या भाई, निकल जान दे एक बार, निकल जान दे। एक तो हड्डी मेरा बहुत देर से वेट कर रहा है, हड्डी को मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं आ सकता हूँ भाई। नहीं हो रहा, मतलब मैं क्या बोलूं यार, क्या हो क्या रहा यार स्टंबल गाइस वालों, मेरे से अलग दुश्मनी है इनकी, पता नहीं क्या हो रहा यार, मेरे को जाना ही पड़ेगा। और जल्दी कौन खड़ा है फिनिश लाइन पे भाई, क्वालिफाई करना है यार, इधर बेइज्जती हो रही कितनी देर से यार, क्वालिफाई भी नहीं कर रहा कौन है पता नहीं। चलो हड्डी से हम मिल चुके, अब आगे चलते, अब हम नहीं गिरेंगे गाइस, अब हमें गिरना नहीं है, आगे चलना है, बस यहीं पर फिसल पट्टी खेलना है इसको, है ना, यहीं पर स्लाइड मार ले पूरी। भाई क्या हो रहा है, और मैं तो फिसला, हड्डी भी फिसले यार, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। और पहले इधर फिसलता नहीं था, पता नहीं क्यों फिसल रहा था। चलो यार मैच तो खत्म हुआ। तो गाइस स्टंबल गाइस की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, मिस हो जाएगी वीडियो, मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको पुराने गेम प्ले देखने स्टंबल गाइस के, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, देख लो दबा के।